अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे गाड़ी का, और वो है कि गाड़ी से आपने बेस्ट एवरेज किस तरह निकालनी है। एक ड्राइविंग टेक्निक होती है, उसके अंदर उसको कहते हैं पल्स एंड ग्लाइड। पल्स एंड ग्लाइड में आपने क्या करना है कि गाड़ी को टोयोटा एक्वा, टोयोटा प्रियस दोनों में यूज़ कर सकते हैं, होंडा फिट में भी कर सकते हैं, एनी हाइब्रिड, उसमें आपने गाड़ी को पल्स मोड तक लेके जाना है या पल्स ड्राइव तक लेके जाना है। पल्स ड्राइव कहाँ पे आपकी होती है, 62-63 किलोमीटर के बाद जब गाड़ी स्विच करती है आपके बैक पेट्रोल इंजन पे, तो उसको वो पल्स मोड होता है, बेसिकली गाड़ी का पल्स ड्राइव होती है वो। आपने गाड़ी वहाँ तक लेके जानी है पल्स ड्राइव तक, आप 70 तक लेके जाएं बेशक, गाड़ी आपने 70 तक लेके जानी है, 70 किलोमीटर की पर आर पे स्पीड पे लेके जानी है, और उसके बाद आपने एक्सीलेटर छोड़ देना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपने लाइट फुट से गाड़ी चलानी है। मैं थोड़ा आपको वीडियो दिखाने के लिए थोड़ा तेज चला रहा हूँ। ये फ्यूल सेविंग टेक्निक है एक, चले मैं अभी कर लेता हूँ उसको। अब आपने एक्सीलेटर बिल्कुल छोड़ देना है, यहाँ पे आके ये पल्स मोड पे गाड़ी आ गई है, मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया बिल्कुल। आपकी गाड़ी की चार्जिंग भी होती रहेगी साथ साथ, और आपकी गाड़ी आगे भी मूव कर रही है, और फ्यूल आपका इस टाइम नहीं यूज़ हो रहा बल्कि बैटरी आपकी स्पीड में चार्ज हो रही है। ये आप लॉन्ग रूट में भी कर सकते हैं, शॉर्ट रूट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट रूट में ये इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है, लॉन्ग रूट में ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि शॉर्ट रूट में आपकी बैटरी इतनी चार्ज नहीं होगी। ये ड्राइविंग टेक्निक उन लोगों के लिए जो बहुत एवरेज कॉन्शियस है कि हमें गाड़ी की एवरेज अच्छी मिलनी चाहिए और गाड़ी हमें एटलीस्ट 30 दे। टोयोटा जापान ने ये खुद बोला है अपनी वेबसाइट पे कि ये गाड़ी 35 किलोमीटर पर लीटर तक देती है, तो लोग मोस्टली ट्राई करते हैं कि 35 किलोमीटर पर लीटर मिल जाए उनको, क्योंकि कौन फ्यूल नहीं बचाना चाहता, और स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे जो थोड़ी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फ्यूल के रेट्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ये लोग ज़रा एवरेज कॉन्शियस है। मैं खुद एवरेज कॉन्शियस हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करूँ कम से कम फ्यूल पे, तो ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। अब मैं आपको फिर दिखाता हूँ, आपने सॉफ्टली एक्सेलरेट करनी है कार। तरीका इसमें यह है कि जिस तरह अभी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ उसको आराम से, आपने इसी तरह उसको एक्सेलरेट करना है, हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करनी इसके साथ। और इको मोड बेशक ऑन रखें ऑफ रखें वो आपकी मर्जी है, ऑन रखेंगे तो आपको बेहतर एवरेज मिलेगी। एसी के बगैर ये आपको ज़्यादा अच्छी एवरेज देगी, हीटर और एसी के बगैर। और गाड़ी में अगर लोग कम बैठे होंगे तो सारी बात है उस टाइम भी एवरेज अच्छी देगी, क्योंकि वेट रिडक्शन हो जाएगी आपकी गाड़ी की। तो आप इसको पल्स मोड तक लेके जाएं, विच इज़ अराउंड 64-70 किलोमीटर्स पर आवर, और आई होप अभी चली जाए क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है। पल्स मोड तक लेके जाएं और फिर आप इसकी रेस बिल्कुल छोड़ दें, पैर उठा दें, ऑलमोस्ट चलें, मैं छोड़ दिया, ये देख लें गाड़ी चार्ज भी हो रही है और गाड़ी आगे भी मूव कर रही है, और अभी ब्रेक आ रही है आगे, तो मैं जब ब्रेक दबाऊंगा तो उस टाइम भी गाड़ी की एनर्जी या फ्यूल लॉस नहीं होएगा बिकॉज बैटरी चार्ज हो रही है फुल। चार्जिंग मीटर पर भी नज़र रखें इसकी, और गाड़ी बिल्कुल आराम से आपको इसमें चलानी पड़ेगी, ये नहीं कि आप गाड़ी तेज़ भगा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है और मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ काफ़ी अच्छे से, कर रहा हूँ मैं, और इससे मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे घर वाले प्रैक्टिस नहीं करते, वो इतने एवरेज कॉन्शियस नहीं है, वो इस गाड़ी को करोला की तरह चलाते हैं। लेकिन अगर आप इससे मैक्सिमम एवरेज निकालना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे, पल्स एंड ग्लाइड। और ये अगर आप पहाड़ से नीचे आ रहे हैं तो उस टाइम पे तो ये आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा बचेगा बिकॉज उस टाइम तो गाड़ी ग्लाइड ही करती हुई आएगी सिर्फ। गाइस एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखना, पल्स एंड ग्लाइड जो मेथड है वो आप उस टाइम इस्तेमाल करना जब आपके पीछे गाड़ियाँ कम होए, वरना बड़ी गाड़ियाँ पर। और गाइस ये थी आज की वीडियो ऑन पल्स एंड ग्लाइड, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और वीडियोस के लिए बस आप वेट करना, और वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, थोड़ी बेहतर वीडियोस अपलोड करूँगा, थोड़ा सा दरमियान में ज़रा
हेल्थ डाउन हो गई थी, हॉस्पिटल के चक्कर लगे हैं थोड़े से, तो अब सही हो गई है हेल्थ. तो इंशाल्लाह आई कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू टू हेल्प यू आउट. और गाइस वीडियो देखने का शुक्रिया, और हैव अ नाइस डे.